नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शालिका ठाकुर, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर हाजिर आपके लिए खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल अभी.com पर। तो आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ क्या चल रहा है भारत कार्यक्रम, जो आपके लिए हर रोज मैं लेकर आती हूँ। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से कि हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है दोस्तों, लेकिन हर कोई अपने हुनर को जो है वो पहचान नहीं पाता। इसलिए जो वक्त रहते अपने आप को, अपने हुनर को पहचान लेते हैं, वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं। तो नहीं पहचान पाते, वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए और दिखा दीजिए पूरी दुनिया को कि क्या हुनर है आप में, क्या कुछ कर सकते हैं आप। और अगर आप इस दुनिया में हैं तो आपका एक अस्तित्व है, आपकी एक पहचान है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और शुरुआत करते हैं आज के हिस्ट्री ऑफ द डे की। उसके बाद बात करेंगे टॉप 7 न्यूज के बारे में और लास्ट में एक ज्ञान की बात जो आपके ज्ञान में करती है इजाफा। तो चलिए आज की हिस्ट्री की बात करते हैं। 1867 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का आयरलैंड में जन्म हुआ था। वहीं बात करें 1886 की, तो फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था। बात करें 1913 की, तो जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं। अब बात करेंगे टॉप 7 न्यूज की, क्या चल रहा है भारत में। मैं आपको बताऊंगी आज की अब तक की टॉप 7 न्यूज। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। तो बिहार में पहले चरण में मतदान शुरू हो चुका है। आज पहले चरण में मतदान होगा जो कि 71 सीटों पर होगा। राजग और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है और पहले चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दाम पर है और इसी दौरान मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर आदि का प्रबंध किया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 7% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से चुनाव में मतदान करने की अपील की है। इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। इस चरण के चुनाव में 2,14,84,787 मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं जो दूसरे चरण के चुनाव हैं वो 3 नवंबर को होंगे और तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो बिहार चुनावों में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार, इसके लिए तो अभी करना होगा इंतजार। तो कीजिए इंतजार। मैं रुक करती हूँ हमारी अगली खबर का जो कि बड़गाम से है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बड़गाम में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बड़गाम जिले के माचुवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी जब वहां छुपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकी ठिकाने के आसपास स्थित मकानों में सुरक्षा बलों के करीब 2 दर्जन लोगों को आतंकियों की गोलीबारी के बीच ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लाल चौक के करीब 12 किलोमीटर दूर माचुवा में आतंकियों को देखे जाने की सूचना मिलते ही शाम को पुलिस और सेना और CRPF के जवानों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लेते हुए जवान जब आरीबाग मागरे मोहल्ले में दाखिल हुए तो एक मकान में छिपे आतंकियों ने उन्हें देख लिया। आतंकियों ने जवानों की घेराबंदी तोड़ भागने के लिए पहले ग्रेनाइड फेंका और फिर फायरिंग की। जवानों ने खुद को बचाते हुए जब जवाबी फायर किया, आतंकियों के भागने के मंसूबों को नाकाम बना दिया और देर रात तक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को घेरा रखा और जिन्हें अब ढेर कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन हुआ सस्ता, कंपनी ने कीमत में कटौती का किया ऐलान। सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन की कीमत में 2,000 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया है। ये स्मार्टफोन 2 स्टोरेज वारंटी, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 512GB स्टोरेज में आता है। हालांकि स्मार्टफोन पर हुई कटौती केवल 2,000 है, 128GB स्टोरेज वारंटी पर लागू होगी। ऐसे में 2,000 रुपए की कटौती के बाद 128GB स्टोरेज वाला सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट स्मार्टफोन 40,999 रुपए में
बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट पहले की तरह ही 47,999 रुपए में आएगा। दो कलर ऑप्शन इसमें है और फोन 91 मोबाइल्स वेबसाइट की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की कीमत में कटौती का ऐलान किया गया है, लेकिन कटौती के बाद फोन की नई कीमत कब से लागू होगी फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल में अब निजी स्कूल वसूल सकेंगे पूरी फीस। हिमाचल प्रदेश के लाखों अभिभावकों की जेब ढीली होने वाली है। हिमाचल सरकार ने निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूलने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने की शर्त जो है वो हटा दी है। जनावर स्कूल मामले में हाई कोर्ट में आए फैसले का तर्क देते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। कोरोना के चलते सरकार ने लॉकडाउन के समय निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे। बीते दिनों निजी स्कूलों का पूरी फीस लेने का दबाव बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कैबिनेट में मांग की थी। अब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए पूरी फीस वसूली की मंजूरी दे दी है। वहीं अगली खबर बेरोजगारों के लिए है। IBPS ने निकाली 1,417 पदों पर भर्ती आवेदन आज से शुरू। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। कार्मिक चयन संस्थान IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर यानी आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 11 नवंबर 2020 तक किया जा सकेगा। नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2020 को किया जाएगा। आवेदन की तिथि जो है वो 28 अक्टूबर 2020 है। IBPS PO आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2020 है। तो चलिए बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की, क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो आपको बताते हैं कि मोहब्बतें फिल्म को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान और शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें हाल ही में अपने रिलीज के 20 साल पूरे कर चुकी है। फिल्म में 20 साल पूरे होने पर इसकी स्टार कास्ट खासी उत्साहित नजर आई, साथ ही फैंस भी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान ने आस्क SR के चैट सेशन रखा, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से बातचीत की और फिल्म के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस खास बातचीत के दौरान SRK ने कहे कुछ ऐसी बात। SRK ने कहा कि वह अपने आप को फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने छोटा महसूस करते थे। ये बात कहकर किंग खान ने बिग बी को रिस्पेक्ट दी है और अपनी भावनाएं अपने फैंस के साथ शेयर की है। बात करते हैं अब खेल जगत की, तो IPL चल रहा है और IPL में सनराइजर हैदराबाद को बड़ी जीत मिली है। दिल्ली को 88 रन से हरा दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट में 219 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 220 रन का लक्ष्य दिया। दिल्ली की टीम इस बड़े लक्ष्य के सामने पूरी तरह से धराशायी हो गई। 19 ओवर में 131 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में दिल्ली की टीम को 88 रन के बड़े अंतर से सनराइजर्स हैदराबाद ने पटक दिया। हैदराबाद की तरफ से राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट छटके। इस जीत के बाद हैदराबाद की टीम अंक तालिका में 10 अंक के साथ छठे स्थान पर है, जबकि दिल्ली की टीम 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये थी कहानी खेल जगत की और खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे आज के ज्ञान की, तो क्या कुछ खास है आज के ज्ञान में। आज के ज्ञान में हम आपको बताएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसरो जो है भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है।
इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो ये था आज का ज्ञान जो मैंने आपको बताया, इसी के साथ समय समाप्त हुआ और मेरा आपसे मुलाकात का समय बस इतना ही था। कल फिर से मुलाकात होगी और कल फिर से मुलाकात करनी है तो इसके लिए अगर आना है तो जाना भी पड़ेगा। और आपके लिए ढेर सारी ऐसी ही अपडेट्स, टॉप 7 न्यूज़, ज्ञान की बात और हिस्ट्री के साथ मैं हर रोज़ आपसे मुलाकात करती हूँ, इसलिए अभी जाऊँगी तभी कल आऊँगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।